बात करते हैं हम एक क्वेश्चन के बारे में विच इज डिपेंड ऑन द nth रूट ऑफ यूनिटी। तो क्वेश्चन दे रहे हैं इफ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेस्ट पावर n माइनस 1 विद द nth रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं कैसे सॉल्व करना है समझते हैं ठीक है। पहली चीज तो हमें ये देखना है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है उसमें वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है। एक चीज देखिएगा यहाँ पे समेशन यूज किया गया है। समेशन का मतलब ये है कि आपको ये वैल्यू दी गई है, अगर आप देखें तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा पावर r के बारे में अगर बात करें तो r तो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा आएगा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, ऐसे ही होगा 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा रेस्ट पावर r माइनस 1, क्योंकि कहां तक मूव करना है n माइनस 1 तक, सॉरी कहां तक मूव करना है n माइनस 1 तक, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। अच्छा ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज समझते हैं कि कहां से आ रही होंगी ठीक है। अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप सबको पता है कि n x पावर n माइनस 1, इसको हम इसके n रूट्स होंगे जो रूट्स आपको दिए गए 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर n माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या लिखे, इसके रूट्स अगर देखे जाए तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू x माइनस अल्फा रेस्ट पावर n माइनस 1, बिकॉज इस इक्वेशन के रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ये है, तब इसी टाइप से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ठीक है। अब बात ये आ रही है कि जो वैल्यू आ रही है वो डिवीजन में आ रही है और सभी सेपरेट आ रही है, ध्यान रखिएगा सभी सेपरेट आ रही है। सेपरेट कैसे हो सकती है, अब भी इसके बाद लॉग देना पड़ेगा ठीक है ना, क्या देना पड़ेगा लॉग देना पड़ेगा। तो आपने लॉग ले लिया x पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने दिया ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस अल्फा प्लस ln x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू ln x माइनस अल्फा रेस्ट पावर n माइनस 1 ओके। अब हमें डिवीजन के फॉर्म में लेके आना, तो ऑब्वियसली वाला डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट किया इसकी वजह से आ गई 1 अपॉन x रेस्ट पावर n माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया n x पावर n माइनस 1 ठीक है, इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू हो गई 1 अपॉन x माइनस 1 होगी 1 अपॉन x माइनस अल्फा हो जाएगी अप टू 1 अपॉन x माइनस अल्फा पावर n माइनस 1 ठीक है। अब सिंपल सा है, इसको मैच कराना है तो x ले आपको 3 दिख रहा है, तो हमने क्या किया पुट कर दिया x ले 3 पुट कर, जैसे ही हमने 3 पुट कर वैल्यू आ गई n * 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पुट किया है 1/2 आ गया ओके, और प्लस 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू 3 माइनस अल्फा पावर n माइनस 1 ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात हो रही है कि भाई ये जो है ये एक्चुअली क्या था, ये है 1/2 प्लस ये समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा पावर r, कहां तक है r है, ये तो है ना आज तक कहां तक है एन माइनस वन तक, तो यही तो वैल्यू है। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया आपके पास, अगर ये मालूम हो चुका है और इसे मल्टीप्लाई करना आपको इसके साथ तो देख लीजिएगा वैल्यू है 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 पावर एन माइनस 1 इंटू में जो वैल्यू इसकी है समेशन की वो वैल्यू है एन इंटू 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 पावर एन माइनस 1, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 3 पावर एन माइनस 1 से ही कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी एन आ जाएगी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एन, बात समझ में आ गई ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसे।